आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष कार्तिक महात्म्य का चौथे दिन का पाठ कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। प्रभु मुझे सहारा है तेरा, जगत के पालनहार। कार्तिक मास महात्म्य की कथा करूं विस्तार। नारद जी ने कहा, ऐसा कहकर भगवान विष्णु मछली का रूप लेकर सागर में आ गए। उस समय विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप अपनी अंजुलि में जल लेकर खड़े थे। भगवान उनकी अंजुलि में जाकर गिरे। महर्षि कश्यप ने दया करके उन्हें अपने कमंडल में रख लिया। मछली के थोड़ा बड़ा होने पर महर्षि कश्यप ने उन्हें कुएं में डाल दिया। जब वह मछली कुएं में समा ना पाई तो उन्होंने उसे तालाब में डाल दिया। जब वह तालाब में भी समा ना सकी तो उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। वह मछली वहां भी बढ़ने लगी और फिर मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने शंखासुर का वध किया और शंखासुर को हाथ में लेकर बद्री वन में आ गए। वहां उन्होंने संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर इस प्रकार आदेश दिया, मुनीश्वरों, तुम जल के भीतर बिखरे हुए वेद मंत्रों की खोज करो और जितना जल्दी हो सके उन्हें सागर के जल से बाहर निकाल लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में निवास करता हूँ। तब उन तपोबल संपन्न महर्षियों ने यज्ञ और बीजों सहित संपूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार किया। उनमें से जितने मंत्र जिस ऋषि ने उपलब्ध किए वही उन बीज मंत्रों का उस दिन से ऋषि माना जाने लगा। तदनंतर सब ऋषि एकत्रित होकर प्रयाग में पहुंच गए। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को उपलब्ध हुए सभी वेद मंत्र समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर सब देवताओं ने भगवान श्री हरि से निवेदन किया, देवाधिदेव जगन्नाथ, इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने खोए हुए वेदों को पुनः प्राप्त किया है और हमने भी यहाँ आपके प्रसाद से यज्ञ भाग पाए हैं, अतः यह स्थान पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ पुण्य की वृद्धि करने वाला एवं भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला हो। साथ ही यह समय भी महापुण्यमय और ब्रह्मघाती आदि महापापियों की शुद्धि करने वाला हो तथा इस स्थान पर दिए गए दान को अक्षय बना देने वाला हो। हे प्रभु, ऐसा हमें वर दीजिए। विष्णु भगवान बोले, देवतागण, तुमने जो कुछ कहा है वह सब मुझे स्वीकार है, अर्थात तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। आज से यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा भागीरथ यहाँ से गंगा को लेने आएंगे और वह यहाँ सूर्य कन्या यमुना से मिलेगी। ब्रह्मा जी और तुम सभी देवता मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से यह तीर्थ तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध होगा। तीर्थराज के दर्शन से तत्काल सब पाप नष्ट हो जाएंगे। जब सूर्य मकर राशि में स्थित होंगे उस समय यहाँ स्नान करने वाले मनुष्यों के सभी पापों का यह तीर्थ नाश कर देगा। यह काल भी मनुष्यों के लिए सदा महापुण्य फल देने वाला होगा। माघ में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर यहाँ स्नान करने से सालोक्य आदि फल प्राप्त होंगे। देवाधिदेव भगवान विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहीं अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात इंद्र आदि सभी देवता अपने अंश से प्रयाग में रहते हुए वहां से अंतर्धान हो गए। जो मनुष्य कार्तिक में तुलसी जी की जड़ के समीप श्री हरि भगवान का पूजन करते हैं वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का
चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। आइए अब शुरू करते हैं कार्तिक महात्म्य का पांचवा अध्याय। राजा पृथु बोले, हे नारद जी, आपने मुझे कार्तिक मास में स्नान का फल बताया है। अब अन्य मासों में विधि विधान से स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि भी बताएं। देवर्षि नारद ने राजा पृथु की बात सुनकर कहा, हे राजन, आप भगवान श्री हरि विष्णु जी के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको ज्ञात है। फिर भी मैं आपको इसका विधान बताता हूँ। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास के व्रत करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर भली भांति अपने मुख को शुद्ध करना चाहिए। मुख को शुद्ध करने के बाद स्नान करके फूल माला, चंदन और पान आदि पूजा की सामग्री लेकर श्रद्धा और भक्ति भाव से मंदिर में जाकर सभी देवी देवताओं की अर्घ तथा आचमन आदि वस्तुओं से पृथक पृथक पूजा करके प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि विष्णु भगवान का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो भक्त श्री हरि भगवान का कीर्तन करने आए हों, उनका फूल माला, चंदन तथा तांबूल आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि मंदिरों में भगवान विष्णु को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न किया जाता है। परंतु कलयुग में श्री हरि भगवान का गुणगान करने से ही विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, एक बार मैंने भगवान श्री हरि से पूछा, हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हो? मेरे प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री हरि बोले, हे नारद, मैं वैकुंठ या योगियों के हृदय में ही निवास नहीं करता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं वहां मैं अवश्य निवास करता हूँ। जो मनुष्य चंदन माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसा कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। इसके बाद नारद जी ने कहा, शिरीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर, कंदार और कटहल के फूलों तथा चावलों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अढ़हल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर का पूजन नहीं करना चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल वर्जित हैं उनसे उनका पूजन नहीं करना चाहिए। पूजन समाप्ति के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। हे सुरेश्वर, हे देवाधिदेव, ना तो मैं मंत्र जानती हूँ ना क्रिया, मैं भक्ति से भी हीन हूँ। मैंने जैसे भी आपकी पूजा की है, कृपा करके उसे स्वीकार करें और मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। श्री हरि विष्णु जी से ऐसी प्रार्थना करने के बाद साष्टांग प्रणाम करके भगवत कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य विधि के अनुसार कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह जगत के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। कार्तिक महात्म्य का पांचवा अध्याय पूर्ण हुआ। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का चौथे दिन का पाठ पूर्ण होता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्णा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण भगवान, जय दामोदर जी, जय माता दी लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।